हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ बीभा। आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बीभा झारखंड फूड एंड लाइफ स्टाइल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी सारा काम खत्म हुआ है, हम फ्री हैं। अब फ्री रहने से ऐसे ही टाइम पास होता है, कुछ खट्टे मीठे से, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ कुछ से। तो वही मेरा भी वही हाल हो रहा है। और कुछ दिन से मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, पिछले 1 वीक में। फिर अभी पूरा झड़ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही। बस शैम्पू चेंज किया, हमको लगा शायद मतलब कि वाटर प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है। मैं आप लोगों को सब शेयर की थी ना शैम्पू को, मैं मतलब कि अभी यूज़ करूँगी ऐसा करके नया लेके आई थी मार्केट से। तो फिर वही लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मतलब कि पानी का डिफरेंट हो गया, वहाँ का पानी मतलब कि डिफरेंट था। मेरे हिसाब से वैसा लग रहा है, मैं तो वैसा कोई कुछ नहीं है, शैम्पू का कुछ वो नहीं रहता है। चलो कभी कभी हो भी जाता है कि चलो शैम्पू से, लेकिन मुझे तो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि पानी से ही ऐसा होता है। कहीं कहीं का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है ना, इसलिए है। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, आप तो देख चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोर भी देखने को मिलता है, इधर पास में जंगल भी है खिड़की के पास। ऐसा करके देखने से पूरा जंगल ही पता चलता है। आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं आज आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ कि रात में नहीं, शाम में मेरा गिफ्ट आया, बर्थडे गिफ्ट बोले तो वो 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन यहाँ नहीं आया था। तो कल मेरे हस्बैंड लेके आए शाम में, मैं देखी, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वो रात में ही बोल रहे थे कि पहन के दिखाओ पहन के दिखाओ, लेकिन मुझे रात में मन भी नहीं किया। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो क्या कपड़े को चेंज करना फिर ख़राब वो करके, फिर सुबह चेंज करेंगे ऐसा करें। फिर सुबह में वही हड़बड़ी हो जाता है, उनका ड्यूटी जाना, उनके लिए रेडी करना, खाना होना, तो फिर वही हो गया, टाइम से उनको भेजना ड्यूटी के लिए, फिर हो भी नहीं पाया। अभी सोच रही हूँ कि लेकिन जब मेरे हस्बैंड रहेंगे तभी मैं वो मतलब पहन के दिखाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा सा मतलब कि दिखा देती हूँ उसको। मैं तो पहन के नहीं दिखाऊंगी, बस दिखा दूंगी ऐसे ही पहन के। मैं मेरे हस्बैंड आएंगे तब भी दिखाऊंगी और उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी, वो क्या फील करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, रुकिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले। तो फिर वो ड्रेस है, ये वन पीस है, मुझे वन पीस बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे वन पीस ही पसंद है। ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर नहीं है ये ना, नेवी ब्लू कलर में है। मतलब कि आपको ब्लैक कलर नहीं, नहीं आपको ये ब्लू ही दिख रहा होगा ना, ये अंदर का ये ब्लैक है, ये नेवी ब्लू है। मुझे वन पीस बहुत पसंद है और इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब कि दिखने में भी तो वैसा दिख रहा है सॉफ्ट जैसा, है ना। इसका प्रिंट भी अच्छा है, कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं पहन के दिखाऊंगी। वैसे ऐसा भी आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है ना, मतलब बर्थडे गिफ्ट और मेरा पसंद का वो, जैसे कि मुझे पहनना पसंद है वही चीज़ हो तो दिल खुशी हो जाता है। और इसके साथ ये बेल्ट भी है, ये रबड़ मैं खोली भी नहीं अभी तक, ये रबड़ ऐसे ही बंद के आया हुआ था कल ही, मतलब कि पैकेट विकेट तो कल ही खोले ऐसे। ये बेल्ट है, कमर वाले हैं सर, ऐसा कैसे दिखा, पहनेंगे तभी दिखा पाएंगे ना। ये कमर वाले बेल्ट है, ऐसे अच्छा लगेगा, पहनेंगे तभी पता चलेगा, और मैं आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड आएंगे तभी पहनेंगे, अभी इसको रख देते हैं। अच्छा लगा, मतलब कि खुश भी हो गए बाप रे, लेकिन वही है कि लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते हैं। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी मतलब कि घर में ही पहन के देख लेंगे। और एक मिनट, मैं यार थोड़ा देर के बाद आपसे मिलती हूँ।
और आज लंच में मतलब कि कल ही शाम में मेरा हस्बैंड 2-3 दिन से बोल रहे थे कि अगर सब्जी वाले आ जाए तो फिर मतलब कि एग ले लेना, उनका एग बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे से भी ज़्यादा, मैं तो उतना खाते नहीं, वैसे भी अब मुझे अंडा करी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसका भुजिया हो या तो फिर आमलेट हो तो ठीक ठीक लगता है, और डेली डेली सब्जी उब्जी खाना मुझे पसंद नहीं है अंडे का, लेकिन मेरे हस्बैंड को डेली दे तो वो डेली खा लेंगे, तो वही बहुत दिन से वो बोल रहे थे अगर आ जाए तो ले लेना ले लेना, तो वो सब्जी वाला तो आया नहीं, लेकिन बगल में एक मतलब कि रहते हैं बगल वाले, तो फिर उनके पास एक्स्ट्रा था, तो फिर वो ऐसा ही घूम मतलब पूछ रहे थे किसी से कि लेना है लेना है, तो उनके पास बस 6 ही एक्स्ट्रा था, तो मैं बोले कि ठीक है भाई दे दीजिए ऐसा करके, फिर मैं ले ली, वैसे सब्जी वाला आया तो फिर मैं ले लूँगी, वैसे ट्रे भर पूरा ट्रे वैसे ट्रे भर ही ले लेते हैं हम लोग, तो बस 6 पीस दे दिए थे, तो मैं अभी बॉयल करने रखती हूँ, उसका मैं अभी बिरयानी बनाऊँगी, अंडे बिरयानी, तो अंडे बिरयानी का रेसिपी मैं मतलब कि दूसरे ब्लॉग में डालूँगी, मतलब कि इसके नेक्स्ट वाला में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा मतलब कि हर एक वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब करने के बगल में एक बेल बटन आता है वो भी क्लिक कीजिएगा तभी आपको तुरंत मिलेगा, तो फिर देखते हैं मतलब कि बनाएंगे, बॉयल तो कर लिए हैं तो अभी तो बहुत टाइम है वैसे बनाने के लिए, बॉयल कर लिए हैं अभी कुछ कुछ तैयारी करेंगे, तो तैयारी व्यारी सारा चीज़ मतलब बिरयानी मसाला थोड़ा सा कम ही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कम ही है, जैसे चेक तो नहीं किया है कम है कि ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद से ही बिरयानी मसाला बना के वो ऐड करूँगी, बहुत ही दिन से मैंने खाई हूँ बिरयानी, और फिर कल अंडा देखने के बाद तो यही ख्याल में आया, और मेरे हस्बैंड का यही मतलब कि वो भी सोच के गए कि आज अंडा करी मिलेगा, उनको लग रहा है कि अंडा करी बनेगा, लेकिन मैं आज करी नहीं बनाऊंगी, आज मैं बिरयानी बना के उनको खिलाऊंगी, अब इतना बड़ा सरप्राइज दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, तो फिर उनको खिलाना तो पड़ेगा, वो भी मेरा मनपसंद गिफ्ट दिए हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तो चलिए मैं ब्लॉग अभी के लिए बस इतना ही कहते हैं, मतलब कि अभी बिरयानी बनाएंगे तो उसके लिए मैं दूसरा ब्लॉग डालूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी परेशान हो जाते हैं देख देख के, तो फिर अगर वीडियो ये वाला भी अगर मेरा गिफ्ट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा ना, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है, और किनको किनको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है ये बोलिएगा, मतलब कि कॉमेंट आ रहा था एक लोगों का ही कॉमेंट आया था, क्या अनुभगत करके ऐसा कुछ था उनका, तो उनका कमेंट आया था कि थोड़ा सा मतलब कि अपना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो चेंज मतलब कि समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं आता, अगर नहीं आता है तो बोलिए मतलब कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि मतलब कि 99% लोगों को तो आता है, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, मतलब कि मेरा तो मतलब कि यूट्यूब में आया हुआ 3 महीना हो गया है, तो 3 महीना में तो किसी ने तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन ऐसा कल से ऐसे कमेंट आ रहा है बार बार कि प्लीज़ आप मतलब कि अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कीजिए ऐसा करके, तो बताइए अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात किया हुआ, तो शायद मैं भी चेंज कर लूँ, या कोई दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो दूसरे लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, आता है थोड़ा बहुत मतलब कि इधर उधर का लैंग्वेज आता है समझ में आ जाता है, लेकिन ब्लॉगिंग करने बोलिएगा तो नहीं होगा मुझे अदर लैंग्वेज से, बस हिंदी से ही होगा, तो फिर चलिए आज के अभी के लिए बस इतना ही कहते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।